मदा खान, नुआया खान, जनाब फरहान अली वारस साहब, आखिर ते पुरसा जनाब सईदा सलवातुल्लाह अलैहा ए पेश फरमाए सन जनाब गुलाम अब्बास साहब आओ जी। मेहरबानी, मेरे बाद पढ़ ले दुआ बरए वारिस ए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मकुल वली कल हुज्जत बिन हसन अलैहिस्सलाम सलवातो काले हिवाला बही फी हाजी साउत वफी कुल साउत मिन साउत लेले वरना हर वलीन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलील वायन हताउत उसके नहुर जकतवन व तुमते फी हाओ तवीला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या मौलती या सैयदत व गीसीनी या मौलती या सैयदत व गीसीनी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सारे सहबान हुसैन बादशाह दी अजमत ते मिलके सलवात पढ़ो। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है। मजमा काफ़ी सारे सलवात दी आवाज़ जीके जीके उच्च आवाज़ नाल सलवात पढ़ो सारे सहबान। नारे तकबीर, खालिक अकबर दा नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ नाल मिल के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिमें सैयद आदि बाबे का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज नाल मिल के बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिमें हसनैन बादशाह दे बाबे का नाम बुलंद है, सारे सहबान दुए हथ बुलंद करके मिल के नारे हैदरी। मजलिस पाक दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो। सब पहले दुआए तमाम मेरे सीए सुनी अबाब सदात गैरे सदात इस मकाम ते टुराया पाक मखदूमा बीबी अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर फरमावे। मलिक साहबान दे सफेदा विच ही लंगर नियाज खर्च खराजात मातमिया दी मातमदारी जाकरीन दा पड़िया अजादारा दा टुराया पाक सैण अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर फरमावे। खसूसन बानिया ने मजालिस दे खानदान दे जितने मरहूमीन टुट गए मालिक अल्लाह ई जिक्र दे सदके दर्जात बुलंद फरमा आमीन जरूर आखी करो। माहौल तो थोड़ा जहा बेनियाज थी कि बाबा जी चंद बंदा आमीन आखिए, चंद बंदा सर ला छोड़े, चंद बंदा सजे खबे डिठे। वो प्रयाले हुरियत इस्लाम दा बारवां ताजदार फरमेंदे जड़ा कोई साढ़े मनण वाला जदार उस मकाम ते तशरीफ घिन आवे जिस जगह ते बाबा जी मेरे दादे हुसैन दा जिक्र थी दे। मैं वारिस हुज्जत खुदा इमाम जमाना अलैहि सलाम इस इंतजार चाहना कि अली वली उल्ला पढ़न अलग कुछ मंगे तो मैं बार बार अदा कर आमीन जरूर रखी को। अज किसी वास्ते आख सो तो कोई थोड़े वास्ते भी आख सी। खसूसन जितने अजादार बेरोजगार मालिक अल्लाह ई जिक्र दे सदके उन्हों को वसी रोजगार अदा फरमा, कर्जेदार दे कर्जे दूर फरमा, बीमारों को सीयत काबिल अदा फरमा, बे औलादों को हयात अले वारिस अदा फरमा। हर रजादार मातमी दे दिल दी हिक्कत सदाए सर वारिस हुज्जत खुदा इमाम जमाना अलैहि सलाम दा ज़हूर जल्द फरमा। मेरी अम्मावां बहना थोको हुसैन दे जिक्र दे वास्ते हुसैन दे जिक्र ही चाहिए हो, ज़रा खामोश हो के हुसैन दी मजलिस हो, कुछ माहौल दा ख्याल रखो। लेकिन मेरे साउंड अलवीर तेरा एहसान हो सी हूँ बिल्कुल भावें साउंड बंद ही हो वे ते नहीं चलावण, ये थोड़े काम पहले दे हैं। लेकिन मैं थोड़े वक्त मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाहना। मेरे शीए सुनी भाईओ पूरी कायनात दो हस्तियों के घर सब तो ज़्यादा मौजूद हैं। पूरी तवज्जो, मैं अपनी मजलिस का आगाज शुरू कर दिते, मैं को बाबा जी किसी दे इंतज़ार नहीं, फकत इंतज़ार है तवारे से हुज्जत खुदा दा है। मैं कह बाबा जी पूरी कायनात दो हस्तियां दे घर सब तो ज़्यादा मौजूद हैं। केड़ियां दो हस्तियां मेरे शीए सुनी भाईओ जिन्हां दो हस्तियां दे घर बाबा जी कायनात सब तो ज़्यादा मौजूद हैं। पहली हस्ती है तौहीद। पूरी तवज्जो करे सो भाई जन जितने कदीमी अजादार बाबा जी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बानी दी हसीयत नाल
पुरसा लैला चंद 7 मार्च हाजरी हो सी। बाबू जी पहली हस्ती है तौहीद, दूजी हस्ती है हुसैन, जो अज तक समझ नहीं आई हूँ वेख सा कितने सर लैसन कितने जबाना हलैसन। इस इलाके आलिया पहली हस्ती है अल्लाह, दूजी हस्ती है हुसैन। बाबा जी हूँ कितने कदर करे सन कितने सर हलैसन, जैसे दिल्ली च हुसैन की मोहब्बत है, अल्लाह के घर का नाम है मस्जिद। थोड़ा जि मिजाज मिला अल्लाह दे घर का नाम बैजान है मस्जिद, हुसैन दे घर का नाम है इमाम बारगाह। लेकिन अल्लाह और हुसैन दे घर इच आवन कीते सैयद ज़्यादा एक जी थोड़ा जी फर्क जरूर है। अल्लाह दे घर इच आवन कीते बाबा जी इंसान को शरीयत दा पाबंद होना चाहिए, हुसैन दे घर इच आवन कीते इंसान को गैरतमंद होना चाहिए। सलामत रहे जेड़े जिक्र हुसैन च बुलंद हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह तवज्जो है ना सारे से बांधे तबीयत बाबू जी घबरात नहीं गई अजादारा दे हुसैन दे घर ही चावन कीते इंसान को गैरत मंद होना चाहिए। मेरे सामने शिया सुनी आबाब द मजमा तशरीफ फरमाए लाइव चल रही है पूरी दुनिया वेख रही है। बाबा जी कायनात को गुलाम अब्बास चैलेंज करके आख रहे है कोई बंदा आख देवे मजमे च खड़ा होके कि मैं अल्लाह दे घर च हिंदुआ को वेंदा डिठे नहीं जा सकता। अल्लाह दे घर च होवे सी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़े आप में तो कोई एक घर दिखाना कायनात जै घर दुनिया का हर मजाहब मिल सी। चंद अजादारा को बाबू जी समझ नहीं आई पिछले रह गए को नाल मिला के दोवे हाथ बुलंद करके उच्चा नारा हैदरी। कायनात सैयदादा वहद घर हुसैन दा जिथा दुनिया के हर मजहब ते को इंसान मिल सी ते को हिंदू भी खा सकदा ते को सिख भी खा सकदा ते को ईसाई भी खा सकदा। मैं गूंगे दजा मैं नहीं जेड़ा बंदा बाबू जी जबान रख दे हिंदू सिखा ईसाइया तो पूछ गए कदी थो को अल्लाह के घर च रहा नहीं डिठा कदी थो को मंजले से हुसैन च डिठा से कहले तो सब मातम खड़े कर दे हो किसे ने दस्तरखान भी छह दे पे हो जय बंदे भी सियालकोट लिया हिंदू सिखा ईसाइया के बाबू जी सवाल किते उस दे पासे वे क्या दिन अकल दे इलाज कर। हुसैन कोई शिया सुन्नी दा इमाम नहीं हुसैन मोहसिन इंसानियत। आवाज खोल मैं एक बार हुसैन है मोहसिन इंसानियत याद रख सुबह तो लेके शाम तक तू घर तू बहरा ने शाम होंदी है पहला कदम चार दीवारी दे अंदर रख दे तेरी निगाह पौंदी है ये तेरी माँ है ये तेरी भैन है ये तेरी धी है। जेड़ा बंदा जबान रख दे बंदा जबान हलावे याद रख जेड़ा माँ भैन दी तमीज दसे इसे जिंदा जमीर दा नाम हुसैन है। जमाना हुसैन को पहचान वेंदा ता अली दिया धीया ते नुआ जंगल च न रुवेगा। लख फजाइलो में आखिर काफी देर दी मजलिस शुरू है तकु मसाइब दा इंतजार है। मेरा दिल चांदे बाबा जी अज रज के मसाइब पढ़ा के अली दिया धीया परदेस च लुटिया की वे अजादारो रोवना तेरे वासी च नहीं हाय तेरे वासी चे दुआ मंगी कर शाला आंजो आवे जदी खलीदार मोहम्मद दी धी होवे
अजदारो अली दी मरियम मिजाज भी यारा मुहर्रम दी रात भिरा मरा के चादर लुटा के दोवें अजसार ते रख के नजब दमों करके खड़ी है दी बाबा अली पुत्रा दी जंग वेखी आवी नदीम शाह जी खबरे हुसैन ते हाथ रख के बिया दा पूरी जिंदगी मैं आली हसैन दा पारा कदी नहीं पढ़िया तेरा हक बनदा जितने सैयद सरदार बैठे हो तो हक बनदा गुलाम अब्बास आली हसैन दा पारा क्यों नहीं पढ़दा मैं तेरे ते सवाल करना जेदे पारे रेवण आले भिरा दा नाम अब्बास रोवण आले गाजी दे बाद पारा किवें दिता उसी जे गुदाइयां मसले ते लै आंदिया सदका सदका भला होए यार ओ कदे ही न थकण लिखा मेरे सामने बुजुर्ग बैठे मेरे आका सजाद फरमैनन शियो मैं सजाद दी पहली शाम दा नाम है शाम में गरीबा एक मोमिन बाबू जी कदम ते हाथ रख के आदे आका ये शाम में गरीबा थोड़ी पहली शाम क्यों है ये पर्दे दे अंदर मेरी मावां ते भेणां दे हिस्से दी सत्तर है बाबू जी कोई ऐसा घर नहीं जे घर चार या पांच साल दे बच्चे ना होवे मैं भी औलाद रखदा मजलिस मुके घर लगा जावे चार या पांच साल का बच्चा होवी गल यही कजिया ने रखे कि हुसैन दे जाके रखे दो बच्चों को अलहदा करके पांच मिनट बिठावे दो मिनट ही खामोश नहीं रहते त्रै मिनट भी खामोश नहीं रहते झोली बता ते मसाहब तेरे हवाले करे ना मातमी दी है निकल जासी दो तीन मिनट बाद ना सही ज्यादा बच्चे आपस गल करे दे मेरे आका सजाद पे फरमाते मोमिन मैं सजाद एदा बड़ा गरीबा शाम में गरीबा मैं सजाद दा चौरासी यतीम हाथ चुप हा सियालकोट लिया एक बच्चा बोलिया मातमी ओ मुंडा हरा गया क्या ऊंचा ना बोलो खड़े जे सकीना को तमाचे मारे बिया बच्चा बोले आखिया ऊंचा न बोलो खड़े जे मासो मंद दूर रहे बिया बच्चा बोले आखिया ऊंचा न बोलो खड़े जे ज़ैनब दी चादर लुटी है वाह 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 मरहबा नौकर बबला खबरिया हाथ नहीं भरण मैं हर रजादार मातमिया ने जुतियां का नौकर हाँ एक मंजिल बुलंद कर आजाद आ रहा मैं को मिंबर दी अजमत दी कसम है सुन्नी है तो सहाबत दी अजमत वास्ते ही शीए तो अली दी विलायत वास्ते ही मैं बाबा जी जितने सैयद हो तुहाडी कनीज दा पुत्र मैं सख्त कदी पढ़िया नहीं मैं इन आदराना यारम मुहर्रम को अली दिया शरीफ दिया अकबर दी शादी दे जेवर इन पाते वाह 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 कोशिश कर यार एक मंजिल बुलंद कर जिवें तेरी धरती ते अता है ना इवें बैण कर जिवें ज़ईफ़ मां जवान पुत्र दे मैयत ते रोंदी है अज़दारो नौकर अज़दार ते रो के दे गुलाम अब्बास दसे आ आलिया केड़े हत्थां च ज़ेवर पाते जे हत्थां दे नाल बाबा जी पूरी जिंदगी च मेरी आलिया सैन दो चीजां चाहिया है या अल्लाह दा कुरान चाहिया है या वफा दा कुरान अब्बास चाहिया है इस इलाके आलिया जदा ज़ैनब ज़ेवर पा खड़ी है ना मक्तल दा मौ करके आदे अब्बास कोई शाम आ दे जित मैं ज़ैनब वजणा है सदका सदका मरहबा मरहबा हो सकते मतों कोई अहले सुन्नत भाई आया बैठा हो बाबा जी आखे कि हुसैन दे जाकिर मिंबर ते आखे कि अली दियां धीआं अकबर दी शादी दे जेवर इंज पाते कदी जेवर ही भाई जान इंज होए चलो नहीं एक सत्तर आखां जितने भेणां दे भिरा हल्के दे मातमी बैठे हो बाबा जी हर भेण दी हसरत होंदी है मेरा भिरा जवानी चढ़ पिए मेरे भिरा दी मसले पईए मैं भिरा को जदों सेरे पैसा ना वीर नवाक सियाल कोट लिया ये पुराने जेवर में ना पेंदी मैं को नवे लै के दे बाबा जी मैं अखी नाल वेखे बा मैं भिरा पठे तो मजदूर भेजन क्यों नहीं
बामे कर्जा ले सी भैन को शादी ते नवे जेवर लेके दे सी लाया कुरान मेरे सर ते रखा झूठ बोला शबीर दा जाकिर ना होवा सियाल कोटा लिया जदा शाम में गरीबा अकबर दे कमिया अकबर दे भैन दे पुराने जेवर दा है कुंडे बंद रह गए ते दौड़ रह गए जदा यार मुहर्रम को जेवर पवे हर बीबी दे हाथ फसे कर दे रहे हर बीबी दा इको मैणा दा आज सादा गाजी होवे हा सदका सदका थोड़ी जी मदद कर मालिक तेरे रिज़्क़ की इज़ाफ़ा फरमावे दूर तो आवाज कैच करे दूर तो आवाज इतने अजादार वेण करके रोवण दे आदि हो सही ज्यादा कायनात इच मैं को भेण विखा जैम भेराद कातल तो पूछा होवे तो आंखें तो मैं रोवा बुजुर्गो मेरी सहन जब मकतली चा खड़ी है ना तो एक पत्थर दे ढेर ते निगाह पई है मेरी सहन वे क्या दिया सजाद मेरा हुसैन वीर लथत ही थाई ना आदे अम्मा सामने रे वेख जड़ा पत्थर अंदर ढेर नजर आंदा पिए ना ये गरीब हुसैन दी लाश ही बीबी अदेवत जालिम तू पूछ दे मैं भेरान रो लवा इस इलाके आले अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे आप इस मोहम्मद अली बलोच दे चाचा जी पढ़ दे रहा है एक वैन दी इजाजत मिली मामल तुई में लथी जी में बिन बाजों दे अब्बास जी तो लथा तेरी है निकल गई है तेरा हक बनदा गुलाम अब्बास मेरा दे बाजू को रहन आली अली मजबूरी केड़ी आई इतने हल्के दे बात में बैठे हो चाचा जी मेरा दे हाथ को रहन बहन दे हाथ आजाद को रहन चलो रिवायत नाम भी पढ़ता जेड़ा आजादार भाई जन अज तक नहीं ना खड़े आजादार तक मैं वेखसा वो बंदा केड़े जेड़ा दे मजलिस सिच आया अज 19 सफर है गरीबां दे चेलम दी मजलिस ते आया ते मैं को रोवण नहीं आंदा ए तो हो नहीं सकदा मेरी मुसल्ले ते पिनी खरे ते शहीद अलामा नासिर अब्बास मुल्तान आले सियालकोट आले साडे बखर च मजलिस पड़ी ई रिवायत ते मजलिस मुक गई है पीछे पड़े ही किसे ना भाई जा उन्हें केड़ी सत्र पड़ी है उन्हें फरमाया जदा आलिया मामल तो लथी है ना चाचा जी मामल तो लेके भिराद दी लाश दे आने तक ज़ैनब नौ दफा बैठी है ते नौ दफा उठी है तेरी है निकल गई है ते मातम की ते एक सैयद मौत मातम करके आका किबला साहब आलिया दी मजबूरी केड़ी है नौ दफा बैठी ते उठी क्यों है हे इजाजत जी में किबला साहब पढ़ा पढ़ा चा ना चाचा जी हे इजाजत भेजन पढ़ा चा बादियों पढ़ते पाए हैं ज़ैनब उठी ते बैठी पहली दफा क्यों है मामल तो लती है पहला कदम चैस तब भेरा हाथ नजर आए दूजा कदम चैस तब भेरा सजे हाथ दी उंगल नजर आई है भेरा टुकड़ा ते बो सदे के आदि अम्मा आज मैं गरीब अम्मा जेंदा ही गवाल गावे सारी रात ना वे समदी सदके सदके मैं ना कर बाबा मेरी सैन बाबा जी भिरा दी लाश ते कीवे आईए इन हाथ पाबंद भिरा दी लाश ते पत्थर भिरा दी लाश ते पत्थर मेरी सैन उठ दी बांधी शहीद आजम भिरा दी लाश ते आईए इस रंग नाल पत्थर हटाओ पत्थर हटा के कप्पे गल के बोस दिते रो के आदि मैं रोने मदीने आला हुसैन तो है दू जमैन करके आदि अल्लाह दे ना ते रसिया वो हुसैन है जे को मोहम्मद मोंडिया ते चाहिदा हा जे को अजा तक समझ नहीं आई ना बाबा जी आसान करके आखा जेड़ा आजादार अजा तक नहीं रुना बाबा जी भेण भिरा दे लाश ते जड़ा आंदी है ना खुदा न करे किसे भेण दा भिरा मर जावे ना उकु गुस्ल कफन मिलदे भेण रोंदी रांदी है ते कै भेण भिरा दी मैयत ते दूर ही चुहावण होवे ना तेरे मेरे इलाके दा रिवाज है असा दोस्त रिश्तेदार उ मैयत ते फूल सटेंदे हैं
ते भेण आवना होवे भिरा दी मैयत है निकल जासी नहीं मंदा बाबा जी मैं बंदे खुशिया जेड़ा हाथी रख दे ते आलिया दी गुरबत ते मातम ना करे जदा भेण भिरा दी मैयत आंदी है भावे भिरा बठे दा मजदूर क्यों ना होवे सब तो पहले भिरा दे कफन तो फूल हटाए सी सजे हाथ नाल भिरा दे कफन दे बंद खोले सी भिरा दी दाड़ी ते बोसा दे के आसी ओ मेरा नवाब वीरो जदा जैना भाई भिरा दा सार कोई ना कप्पे गल ते बोसा दे के रो गया दी अखा खोल नवाबा दी भैणा इवें आदियां सदके सदके शर्मा नहीं थोड़ा जी आवाज बुलंद कर यार इम्तिहान लगे रोवण वाले भिरा दी लाश तो उठी नहीं उठाई गई है सारे जुमले छोड़ देते बस दामन वक्त गुजाइश नहीं अजादारो मेरी सैन करबला चू गुफा 45 तो 46 मील बनते चाचा जी मेरी सैनी को इन्ना 3.5 घंटे सफर तय कराए अजादारो 19 जेठ दी मेरी सैन कूफा दे बारू खड़ी है 21 जेठ तक खड़ाई गई है रोवण वाले 3 दी क्यों खड़ाई गई है इस इलाके वाले बाजार दरबार सजदे रहे अली दिया धीया ते नौवा चुप करके दे दिया रही अरे मैं तो इंतजार ही नहीं करी मैं तो हूँ भेड़ दे करीब आ गया सियालकोट लिया जो 3 दिया के बाद बाजार दरबार सजे इब्ने ज़ियाद तख्त बैठे ए ज़ालिमा दे हूँ कई दिन बीबियां मेरे दरबार च रहे अली दिया शरीफ धीया ते नौवा दरबार च नाल 23 साल का ज़ईफ सजाद इन चाका एक रस्सी आई ते चूहठ मजदूर आई एक रस्सी च पीऊ ते पुत्र कैद है नाल सजे पासे हुसैन दी 4 साल दी धी खड़ी है ये जालिम तख्त बह के ना बाबा जी उच्ची आवाज नाल आदे हुसैन दा सर सांग तू लहाओ हुसैन दा सर सांग तू लाया ने भेंडे दी पई सोने दे तरस च रखा है उत्ते रेशम दा रुमाल मैं अल्लाह ते हाथ रख के बाबा जी रिवायत भी पढ़दा झूठ बोला शबीर दा जाकिर ना होवा बाबा जी ए जिथा तख्त बैठा हा भेणा सामने खड़ी है 4 साल दी धी खड़ी है 23 साल दा ज़ईफ पुत्र सजाद सामने खड़े जय रिवायत दी मैं कसम चाहिए जो बात भी बाबा जी ये सतर बर्दाश्त ही नहीं करे दे ए जालिम तख्त बैठा तख्त आले पासों चौथी पौड़ी तले गिणो चौथी पौड़ी ते हुसैन दे सारा लताश्त रखा है इदे हाथ च खिदरान दी छड़ी है छड़ी दे नाल रुमाल हटाए हुसैन दे जख्मी लब ते छड़ी ला के हस के बैठा दे ये लब जिन्ना ते मुहम्मद बोसे देंदा हा ज़ैनब दी आवाज आंदी है ज़ालिमा हया कर इत्थां ना मार अज मैं दा गाज़ी होवे सदके सदके शर्मा नहीं अजादारो सजे खब्बे वेख के आदे कूफे च हे अली दा कोई शिया जेदे नाल मैं हुसैन दे कत्ल दा मजाक करा जेदे नाल मैं जश्न मनावा चाचा जी सिपाही कदम अदा किया दे तेरे जिंदान च इक अली दा बहुत बड़ा शी है जेदा नाम मुख्तार है आदे जल्दी करो इसको मेरे दरबार च बुलाओ सिपाही टुरे सियालकोट आलिया मुख्तार दे जिंदान च हालत केड़ी गल च तौ हथां च हथकड़ियां पैरां च बेड़ियां जानो बुलंद इशारा समय दी जागी आख वस कोसी ए जानो ते दुए कड़ियां ले हाथ उत्ते पेशानी रख के ते मुख्तार रो के बैठा दे मेरा अल्लाह शाला मेरे ख्वाब सच्चे न होए वाह वाह बुजुर्ग सोनी है कि दिवे तोरियां जाइयां ते बंदे सलामत होवे भला होवे जान भला होवे जिन्हां जवान मातम कीते औखी सतर ते बाबा जी जिंदान दा दरवाजा सिपाही खोले मुख्तार दा मुंडा हला के दे कैदी ते को हाकिम दरबार च बुलाए अगे सिपाही पीछे मुख्तार मुख्तार को आंदा सियालकोट आले कूफिया दिठे शामिया दिठे सैयदादा जी में अली दी धी ज़ैनब रिठाई में कह नहीं रिठा फिजा दी कान तो मत जाके भैया दे अम्मा दुआ मंगया मैं ज़ैनब मर वन्या मातम कर के रोण लिया फिजा दी आवाज़ भैया दे आलिया करबला अकबर लथे
ਤੈ ਆਲੀਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈ ਆਲੀਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਸਰ ਦੇ ਗਾਲੀ ਦਰੇ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਤੈ ਆਲੀਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਆਲੀਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਲ ਤੇ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਤੈ ਆਲੀਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀਏ ਤੈ ਜ਼ੈਨਬ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਆਲੀਆ ਮੱਥਾ ਜਾਏ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਮਨ ਰੁਆ ਕਰਬਲਾ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਗਈ ਏ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਹੀ ਕਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਚਏ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਿਨ ਵੇਨੇ ਜਿਤਨੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਤਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੇਨਾ ਜ਼ਿਆਰ ਕੋ ਡਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਕੈ ਸੁਣੇ ਭਈ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਬੀਰਾ ਸਜਾਦ ਦਾਮਨੀ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਚਾਚੇ ਮੁਖਤਾਰ ਕੋ ਆਖਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬੈਰਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਾਂ ਮਾ ਗਏ ਮੈਂ ਖੜ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹਿਕਮਨ ਲਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਜਿਤਨੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਆਖੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਕਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹਿ ਵੰਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਕਮੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਕਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਬਸ ਭਈ ਕਵੇਣ ਸੁਣ ਜਿਸ ਵੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪੜਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਜਿਤਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਖਤਾਰ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ ਸੱਜੇ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ ਖੱਬੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਦੋ ਹੋਇਆ ਕੰਡ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਤ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆ ਹੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸੁਜਾਨ ਇਹੋ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਘੜੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰ ਜਾਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਠਰ ਆਏ ਖੁਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੋ ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸੁਜਾਨ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਲ ਕੋ ਡਲਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਸਰ ਤਾਈ ਦੀ ਰਖਾਇਆ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਖਸੀ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਚਾਚੇ ਕੋ ਆਖ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਾਈਆ ਨਿਆ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮਾਰਾ ਗਈ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦਾ ਵੇਣ ਮੁੱਖ ਹੈ ਡੂਕੜੀਆਂ ਲੈ ਹੱਥ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਕੜ ਦੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ੈਨਬ ਹਾਏ
खड़ी है खेल नौ भर जाया बीबी रो के आदि मेरे मुख गए पर ओ फिरा